देखो कल हमने यहाँ तक सॉल्व किया था, आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रीडी कंदू से। ठीक है, ग्रीडी कंदू से आज हम स्टार्ट करते हैं। ग्रीडी कंदू, ग्रीडी का मीनिंग सबको पता है? व्हाट डू मीन बाय ग्रीडी? ग्रीडी वर्ड का मीनिंग क्या होता है, किसी को पता नो सर। है? ग्रीडी यानी कि जो, जिसे गुजराती में कहते हैं ना, ये कंजूस आदमी है। ठीक है, कंजूस जिसे कहते हैं ना, हाँ उसको कहते हैं ग्रीडी। ओके, देखो यहाँ पे उसकी एक स्टोरी है, वो उसे भी अच्छे से देखो। चुप रहो, जाओ इधर से। यहाँ पे कंदू इज अ ग्रीडी मैन। कंदू एक बहुत ही ग्रीडी मैन था, बहुत ही कंजूस किस्म का इंसान था। ठीक है, व्हेन एवर ही गोज टू मार्केट ही वांट टू गेट मोर एंड मोर। उसको बहुत और बहुत चाहिए, बट डजंट वांट टू स्पेंड मच मनी। उसको पैसे खर्च नहीं करना था, और सबसे ज्यादा चीज चाहिए थी, यानी कि वो बहुत कंजूस था। ठीक है, उसको चीज ज्यादा चाहिए थी, पर उसको पैसा देना नहीं अच्छा लगता था, इसलिए वो कैसा था, कंजूस था। ठीक है, अब अभी देखो, वन डे ही वांट टू ईट पंपकिन। ठीक है, ये पंपकिन क्या होता है, पंपकिन हलवा। उसको पंपकिन का हलवा एक स्वीट डिश आती है, वो उसे खानी थी। अभी किसी को पता है कि पंपकिन क्या होता है, ये पंपकिन क्या है? कद्दू, कद्दू, हाँ कद्दू, हाँ कद्दू, बस ये, कद्दू। हाँ ये यहाँ पे रोक किया ना, वैसा ही कद्दू। ठीक है, हाँ ये ट्राइज टू बाय अ बिग पंपकिन विद 10 रुपीज। ही आज द फर्स्ट पंपकिन सेलर, और वो जो पंपकिन सेलर होती है ना, उसके पास जाता है, उसको और उसके और उसे पूछता है द प्राइस ऑफ अ बिग पंपकिन। ठीक है, फर्स्ट पंपकिन सेलर, उसने कहा कि 1/4 ऑफ दिस पंपकिन इज 10 रुपीज। यानी कि ये पंपकिन होता है ना, ठीक है, ये पंपकिन का फोर्थ पोर्शन, यानी कि अगर ये पूरा पंपकिन है तो उसका फोर्थ पोर्शन, यानी कि इतना पंपकिन आपको मिलेगा कितने रुपए में, 10 रुपए में। ठीक है, ऐसा जो जो फ्रूट सेलर था, यानी कि जो पंपकिन सेलर था, उसने बताया। और उसने पूछा कि भाई पंपकिन का प्राइस क्या है, कंदू ने पूछा। तो जो सेलर था उसने बताया कि 1/4, अभी ये तो 1/4 पोर्शन हुआ ना, देखो अभी ये हाफ, यानी कि 1/2, यानी कि ये आधा हो जाएगा। ठीक है, अभी उसने तो ऐसा कहा कि 1/4 पोर्शन जो है उसका प्राइस है 10 रुपीज। ठीक है, तभी मुझे ये बताओ, दिस फुल पंपकिन विल कॉस्ट, तो पूरे पंपकिन की कॉस्ट कितनी होगी, मुझे ये बताओ। अगर उसका फोर्थ पोर्शन है, यानी कि ये पूरा पंपकिन था, उसका जो फोर्थ पोर्शन है ना, ठीक है, ये पंपकिन था, उसका वन पोर्शन का अगर 10 रुपीज है, तो पूरा पंपकिन का कितनी प्राइस होगी, मुझे कौन बताएगा? 40, 40 रुपीज इज द फोर्टी राइट आंसर। ठीक है, 40 रुपीज ही होगा। ठीक है, कैसे, देखो 10 इसका 10 इसका 10 इसका और 10 इसका, यानी कि टोटल पूरे पंपकिन की प्राइस कितनी हो जाती फोर्टी है, 40 रुपीज हो जाती है। कितनी हो जाती है, 40 रुपीज हो जाती है। कंदू तो कैसा था, ग्रीडी था, उसको तो पूरा पंपकिन ही 10 रुपीज में चाहिए। ठीक है, पूरा पंपकिन उसे कितने में चाहिए, 10 रुपीज में। फिर देखते आगे क्या होता है। फिर कंदू क्या कहता है, देखो कंदू ने कहा फिर से, देखो ओ फॉर ₹10 यू शुड गिव मी 1/2 ऑफ दिस पंपकिन। और उसने कहा कि, और जो हम बार्गेनिंग करते हैं ना, भाई इतने में देना है तुझे, इतने में देना है तो मैं ले लूंगा, वैसा। ठीक है, और वैसे ही वो बार्गेनिंग करने लगा, और लास्ट में उसने ये कहा कि ₹10 में यू शुड गिव 1/2 ऑफ दिस पंपकिन सर, आपको। हाँ बोलो, आपकी आवाज काम कम आ रही है, तो मैं रही जोर है। से यस बोलूँ, थोड़ा जोर से बोलूँ ना। यस सर, ओके, यस सर। देखो कंदू ने ऐसा कहा
₹10 में मुझे हाफ पंपकिन दे दो, यानी कि जो फ्रूट सेलर ने ऐसा कहा कि आपको पंपकिन मिलेगा और 1/4 पोर्शन मिलेगा वो भी ₹10 का। फिर कंगू ने ऐसा कहा कि मैं आपको ₹10 दूंगा, ठीक है, पर मुझे हाफ पंपकिन चाहिए, यानी कि मुझे इतना पंपकिन दे दो, ठीक है, ऐसा कंदू ने कहा, ठीक है, ₹10 में उसने कितना कहा हाफ, ओ फॉर ₹10 यू शुड गिव मी 1/2 ऑफ दिस पंपकिन। फिर क्या देखो, जो फ्रूट सेलर था, जो पंपकिन सेलर था, उसने कहा क्या क्या देखो, फर्स्ट पंपकिन सेलर जो था उसने कहा देन यू गो टू नेक्स्ट सेलर, अब मैं नहीं दूंगी, अगर आपको चाहिए तो आप दूसरे सेलर के पास जाओ, ठीक है, ही कैन गिव यू 1/2 सच अ बिग पंपकिन फॉर ₹10 के, वो आपको ₹10 में जो हाफ पंपकिन है 1/2 पंपकिन, यानी कि हाफ पंपकिन जो पंपकिन है वो आपको दे देगा, ठीक है, आई कीप वांटिंग गुड क्वालिटी पंपकिन, यानी कि उसने कहा कि नहीं मेरे पास जो है वो अच्छे क्वालिटी वाले हैं, मैं आपको ₹10 में हाफ पंपकिन नहीं दे सकती। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, देखो अभी आगे देखते हैं, फिर देखो, फिर कंदू ने क्या किया, देखो कंदू walks to the next seller and look for a pumpkin of the same size, ठीक है, फिर वो next seller के पास गया, ठीक है, अभी देखो कंदू, और उसे भी उसने यही पूछा, how much of this pumpkin will I get for ₹10, यानी कि ये मुझे आप ₹10 में पूरा pumpkin दे सकते हो, देखो यहाँ पे उसने पूरा pumpkin ही मांगा, ठीक है, मुझे ₹10 में पूरा pumpkin आप दे सकते हो। second pumpkin seller ने कहा हाफ, यानी कि ₹10 में मैं आपको हाफ दे दूंगा, ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि पूरे पंपकिन की प्राइस अभी कितनी होगी? हाँ, वेरी गुड, क्योंकि उसने कहा कि ₹10 में तो आपको हाफ दूंगा, यानी कि पूरा पंपकिन की कितनी होगी, 10+10 यानी कि कितनी होगी, ₹20। हाँ, ओके, अभी नेक्स्ट आगे देखते हैं, फिर देखो कंदू, ओ why not give me 3/4, क्या आप मुझे 3/4 नहीं दे सकते, ठीक है, 3/4 यानी कितना होता है आपको पता है? 3/4, ठीक है, 3/4 यानी कि yes. हाँ, हाफ से उसे हम कहते हैं 75, यानी कि देखो 3/4 यानी कितना होता है, देखो मैं यहाँ पे आपको ड्रो ड्रो करता हूँ सर। हाँ बोलो, हाफ पंपकिन एंड वन पीस। हाँ, यानी कि देखो 3/4 यानी कि देखो इसे कहते हैं, देखो मैं एक बार फिर से यहाँ पे ड्रो करके बता दे, ये होता है 1/4, ये कितना हुआ 1/4, ये कितना हो गया हाफ हो गया, okay? बाकी रहा पूरा पंपकिन में, ओके, इतना पोर्शन ही बाकी रहा पूरा पंपकिन में। अभी देखो उसने क्या कहा था कि आपको हाफ पंपकिन में दे दूंगा, ठीक है, ₹10 में, पर कंदू ने क्या कहा, उसे हाफ नहीं चाहिए, इतना उसके ऊपर इतना भी चाहिए, ठीक है, उसको इतना और चाहिए, यानी कि उसको इतना पंपकिन चाहिए, ठीक है, यहाँ पे जो मैंने सेल किया लिखा, ठीक है। फिर सेकंड पंपकिन जो सेलर था उसने क्या कहा, उसने कहा कि रन अवे, यहाँ से भाग जाओ, गो गेट योर पंपकिन फ्रॉम दैट मैन, ही सेल्स सच अ बैड वेजिटेबल दैट ही विल इवन गिव यू A full pumpkin of size of ₹10, ठीक है, उसने ऐसा कहा कि तुम जो दूसरे सेलर है उसके पास चले जाओ, वो आपको ₹10 में दे देगा, ठीक है, ऐसा कहा। फिर देखो आगे, the greedy kandoo walks to the next pumpkin seller, he looks at a pumpkin of the same size and asks him, will you give me this big one for ₹10? क्या ये big जो बड़ा वाला जो कद्दू है, क्या आप वो मुझे ₹10 में दे सकते हो? फिर देखो जो थर्ड पंपकिन सेलर था उसने कहा कि व्हाई डोंट यू क्लाइम द रूफ ऑफ दैट हाउस, आप ये जो यहाँ पे जो हाउस आपको जो दिखाई दे रहा है ना, उसके पर आप yes, जा सकते,
ये जो कद्दू है ये कौन है, ये ग्रीन मैन है, और यहाँ पे ये जो रूफ है हाउस का, ठीक है, और उसको ये उसकी छत पे चढ़ के उसे लाना था, ऐसा उसने बात, ठीक है। द थर्ड पंपकिन सेलर, व्हाई डोंट यू क्लाइंब द रूफ ऑफ सर, जोर से बोल, क्या सर जोर से बोल, सुना नहीं दे रहा। हाँ, क्या आप ऐसा नहीं कर सकते, वो आप सामने वाला जो घर है उसके रूफ पे चढ़ जाओ और खुद पंपकिन तोड़ के ले लो, आपको फ्री में मिल जाएगा, ऐसा कहा उसने, ठीक है। यू कैन गेट अ पंपकिन फ्री फ्रॉम द प्लांट इटसेल्फ, आपको एक जो पेड़ है, ठीक है, वहां से आपको ये फ्री में मिल जाएगा। फिर कंदू को बहुत है, क्योंकि वो तो ग्रीडी था, उसको तो फ्री में ही चाहिए था, ठीक है। कंदू इज वेरी हैप्पी, फिर क्या हुआ, कंदू बहुत ही हैप्पी हो गया। ही क्लाइम्ब द रूफ ऑफ दैट हाउस एंड देन फिर क्या हुआ, सबको पता चल गया है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। Using a price list. Using a price list. हाँ, वही करना है। देखो, using a price list आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है? अभी ये क्वेश्चन के आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लेना। देखो यहाँ पे मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, टोमेटो की प्राइस कितनी है, एक किलो का कितना, 8 रुपीज है, 1 केजी का कितना है, 8 रुपीज है। टोमेटो के 1 किलो के कितना है, 12 रुपीज है। ओनियन के 10 रुपीज है, कैरेट के 16 है, और पंपकिन है उसका 4। अभी मुझे ये बताओ कि how much does 1/2 kg of tomato cost, कितना होगा? सर, बोलो। आपने इसके पहले क्या पढ़ाया था? हमने एक स्टोरी पढ़ाई बेटा, कद्दू वाली स्टोरी। तो आप मुझे उसका वीडियो भेज दोगे? हाँ, वीडियो में भेज दूंगा। ओके ओके सर। देखो 1 kg का इतना है, तो 1/2 kg का कितना होगा, ये मुझे कौन बताएगा? 1 kg का 8 रुपीज। हाँ, तो 1/2 kg का 1/2 यानी कि 1/2 हुआ ना। सर, सर मैं बताऊँ? हाँ बताओ। 4 रुपीज। सर 4। वेरी गुड, 4 रुपीज हो गए। उसके कितने हो गए? 4। भाई ना कपड़ा दे रहा। देखो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, 1/2। ठीक है, देखो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, 1 kg के कितने हैं, 8 रुपीज है, 1 kg के 8 रुपीज है, यानी कि 1/2 के कितने हो गए, ऐसा ही है ना, 1/2 के कितने, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, 8 करना है, क्या करना है, 8 करना है। ओके सर, हाँ बोलो सर, मैंने भी ऐसा ही किया था, यानी कि 8/2 हो गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 8 यानी कि 8, ठीक है, बाय 2 हो गया। अभी 2 तो कट हो जाएगा, क्योंकि 4 2 जा क्या होगा, 8 होगा ना, 4 2 जा 8 होगा, लेकिन ये 2 और ये 2 कट हो गया, तो ऊपर क्या बचा, 4, नीचे कुछ नहीं, यानी कि 1, यानी कि 1/2 kg का कितना होगा, 4 रुपीज होगा। ओके, यहाँ तक इसमें सबको क्लियर है? यस सर। ओके, देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर तो मेरा है। स्क्रीन में नहीं दिख रहे। देखो देखो, सेकंड क्वेश्चन ये था हमारा, ठीक है। आपको क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरह से लिखना है, द कॉस्ट ऑफ वन टोमेटोस। देखो इसका वीडियो अभी आपको ग्रुप में व्हाट्सएप आ जाएगा, ठीक है, इसलिए आप क्या कि अभी आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, इसका वीडियो में भेज दूंगा। ओके, देखो द कॉस्ट ऑफ 1 kg टोमेटो इज 10 रुपीज, ठीक है। हाँ, द कॉस्ट ऑफ 1/2 जो 1/2 kg टोमेटो की कितना होगा, 8/2 यानी कि 4 रुपीज। द कॉस्ट ऑफ 1/2 kg टोमेटो इज कितना होगा, 4 रुपीज होगा, ठीक है। फिर देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है,
किसकी प्राइस ज्यादा है, हाफ के जी ओनियन की या 1/4 के जी कैरेट की? देखो 1/4 के जी कैरेट एंड 1/2 के जी ओनियन, देखो ये कहां गया, ये रहा। ओनियन कितना है 1/2 के जी, इनका 1/2 के जी कितना होगा? देखो ओनियन की प्राइस कितनी है, 10 रुपीस है, ठीक है। ओनियन की प्राइस कितनी है, 10 रुपीस, तो इसका 1/2 के जी यानी कितना होगा, 10 होगा, ठीक है। यानी कि इसका अगर आप पर सॉर्ट कर दोगे, ठीक है, तो कितना होगा, 5 2 10, यानी कि 2 2 कट हो गया, ये 2 2 कट हो गया, यानी कि 1/2 के जी ओनियन की कितनी हुई, 5 रुपीस हुई, कितनी हुई, 5 रुपीस। हाँ बोलो सर, मुझे बता इसका आंसर। हाँ कोई बात नहीं, और 1/4 के जी कैरोट, यानी कि 1/4 के जी कैरोट का कितना होगा, देखो 1/4 के जी कैरोट, कैरोट का 1 के जी का 16 रुपीस है, तो ये कितना हो गया, 4, यानी कि उसकी प्राइस हुई 4 रुपीस। किसकी प्राइस ज्यादा हुई, 1/2 के जी ऑनियन की प्राइस ज्यादा हुई, ठीक है। तो इसका आंसर इस तरह से होगा। हाँ बोलो सर, मेरा सही है, आपने जैसे किया मैंने भी ऐसे ही किया था, तो मेरा सही है। वेरी गुड, देखो आंसर पूछ, आपको इस तरह से लिखना है, नोटबुक में लिखना है, नोटबुक में अभी नहीं लिखना है बेटा, इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है, उसके बाद में आपको अच्छे से लिखना है, ओके 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 सर। द कॉस्ट ऑफ 1 के जो 1 केजी ऑनियन की कितनी है, 10 रुपीस है, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1/2 केजी ऑनियन की 10/2, जैसा अभी मैंने आपको बताया 5 रुपीस हुई। The cost of 1 kg carrot कितना है, 16 रुपीस है, अभी हमने देखा 1/4 kg की कितनी होगी, 16/4, यानी कि 60 and 4 का division, यानी कि 4 रुपीस, यानी कि हमको पता चल गया the cost of 1/2 kg onion is more than the cost of 1/4 kg of carrot, okay? So next okay, question. Sir. देखो, what is the price of 3/4 kg of potato? 3/4 kg of potato, देखो अभी potato का देखना है, पोटेटो कहाँ पे, ये रहा पोटेटो, ठीक है, और उसका 3/4 के जी हमें फाइंड करना है। देखो तो पहले कैसे करना है, पहले 3/4 आपको ऐसे लिख देना है, फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की साइन, पोटेटो कितना है, कहाँ पे क्या, हाँ ये रहा, कितनी प्राइस है, ये रहा नंबर मिल गया, ठीक है। फिर इसको कट सॉर्ट कर लेंगे, 12 यानी कि 4 3 होगा 12, ओके ठीक है, सभी ये 4 4 क्या होगा, कट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा, 3 and 3, यानी कि 3 × 3 यानी कि 9, ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो, डिवीजन करके भी कर सकते हो। देखो अभी डिवीजन करके कैसे, 3/4 लिखना है, 3/ आपको क्या लिखना है, 4 लिखना है, फिर मल्टीप्लाई बाय आपको 12 लिखना है, फिर 12 and 3 का आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, 12 3 36 डिवाइड बाय 4, फिर आपको क्या करना है, 36 और 4 का डिवीजन कर देना है, तो भी आंसर आपको सेम ही आएगा, ठीक है, 4 9 36 हो जाएगा, ओके आंसर तो सेम ही आएगा, आप जिस मेथड से भी करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे उसका प्राइस कितना हुआ, देखो द कॉस्ट ऑफ 1 केजी पोटेटो इज 12 रुपीज, द कॉस्ट ऑफ 3/4 केजी पोटेटो इज इक्वल टू कितना होगा, 12 × 3/4, फिर क्या होगा, 36/4, देखो इसने ऐसा ही किया, 36/4, तो उसका कितना आएगा, 9 रुपीस उसका आंसर आएगा, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कृति इज गोइंग फॉर शॉपिंग, ठीक है, जो कृति थी वो शॉपिंग के लिए जाती है, कृति इज गोइंग फॉर शॉपिंग, सी हैज ओनली 20 विद हर, उसके पास 20 रुपीस ही थे, कैन सी बाय ऑल दिस थिंग इन हर शॉपिंग लिस्ट, क्या वो ये सारी चीजें बाय कर सकती थी, ठीक है, कैन सी बाय ऑल द थिंग्स इन हर शॉपिंग लिस्ट, ठीक है, देखो उसने ये क्या ये सारी चीजें वो परचेस कर सकती थी, क्या वो परचेस, वैसा ही क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, देख लो टोटल मनी उसके पास कितने थे, 20 रुपीस के, और शॉपिंग इंक्लूड 1/2 के जी पोटेटो, 2 के जी पंपकिन, ठीक है, देखो कॉस्ट ऑफ 1 के जी पोटेटो कितनी है, 12 रुपीस, ठीक है, यानी कि कॉस्ट ऑफ 1/2 वो कितनी हुई, 60 रुपीस, हेलो मेरी आवाज आ रही है सबको, यस नो सर, बीच में आवाज आ रही है, बीच में आवाज आ रही है, वो ऊपर है,
ओके okay, फिर से देखो कॉस्ट ऑफ 1 केजी पंपकिन कितना है 4 रुपीस है यानी कि कॉस्ट ऑफ 2 केजी पंपकिन कितना हो जाएगा 8 रुपीस का हो जाएगा वैसे देखो कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ 1 केजी कैरेट 16 रुपीस है तो 1 बाय 4 केजी बोलेगी तो वो कितना हो जाएगा 4 रुपीस का यानी कि टोटल कितना हो गया 6 plus 8 by, plus 4 and 20 years Kriti can buy all the vegetable in her shopping list is there for 5% okay question mein pata chala sabko uske paas 20 rupees thi aur usko ye sari cheeze usko kya karni thi buy karni thi okay aapko ye jo hai uski pdf aapko mil sorry wo आपको इसका वीडियो मिल जाएगा वीडियो के एंड के बाद ठीक है अगर किसी को आवाज क्लियर नहीं आ रही है तो उसमें से आप बाद में आप लिख लेना फिर देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है मेक टू क्वेश्चन योरसेल्फ फ्रॉम प्राइस लिस्ट आप कोई भी दो क्वेश्चन बना सकते हो अपने हिसाब से जैसे कि 3/4 केजी ओनियन एंड 1/2 केजी पोटैटो की कॉस्ट कितनी होगी ठीक है कोई भी आप बना सकते हो या 3/4 केजी ऑफ कैरेट की कॉस्ट कितनी होगी 3/4 केजी ऑफ पंपकिन की कॉस्ट कितनी होगी 3/4 केजी ऑफ कैरेट की सॉरी पोटैटो की कॉस्ट कितनी होगी कोई भी आप क्वेश्चन आपको दो क्वेश्चन आप ये जो है इनमें आपको वो खुद बनानी है ओके देखो ये जो क्वेश्चन था ठीक है जो कृति जो गई थी मार्केट में उसको इतनी चीजें लेनी थी और उसके पास कितने थे ओनली 20 रुपीस थे 1/2 केजी पोटैटो 2 केजी पंपकिन एंड 1/4 केजी कैरेट ठीक है जो भी हमने सॉल्व किया ठीक है ये उसके पास लिस्ट था और ये सारी चीजें उसको परचेस कर ली ओके सबको इसमें पता चल गया यस सर ओके तो यहां पे मैं वीडियो एंड करता हूं नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे स्टार्ट करेंगे ओके ओके सर ओके Bye and have a good day.